तक न्यूट्रिशन की बात है तो हम लोग कुछ न कुछ खाने से रिलेटेड चीजों की बात करेंगे। देखिए, जिन चीज को हम बल्क में खाते हैं, इनफैक्ट एनर्जी या बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। कुछ न्यूट्रिएंट्स को हम लोग मिलीग्राम्स में लेते हैं, जैसे मिनरल्स हो गए, जैसे वाइटमिन्स हो गए, तो उनको हम लोग कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स को पहले हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। न्यूट्रिएंट्स को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला हो जाएगा आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा फिर हो जाएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आप लोग खुद ही जानते हो, जो हम लोग ज्यादातर चीजें, जो एडिबल चीजें ज्यादातर होती हैं, दोज आर ग्लूकोज, फैट एंड आपके प्रोटीन्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में मेनली आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और इसके अलावा प्रोटीन्स, फिर फैट। तो यहाँ पे हम लोग मेनली देखते हैं, इसको हम लोग एनर्जी के लिए लेते हैं। और बैलेंस डाइट की बात करें तो एक प्रोपोर्शन में हम लोग यही सारे कंटेंट्स लेते हैं। कीटो डाइट की बात करोगे तो उसमें फैट ज्यादा लोगे आप, है ना। तो किसी दिन हम लोग बैलेंस डाइट, कीटो डाइट और क्या कहते हैं मसल बिल्डिंग डाइट या जीरो फिगर डाइट, ये सब भी पढ़ लेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना कैलोरी दे देगा, 4 किलो कैलोरी। ठीक है, किलो कैलोरी को अगर आप सी कैपिटल लिख दीजिए तो वो किलो कैलोरी माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप 1 ग्राम, ये कार्बोहाइड्रेट की बात हो गई, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। इसी टाइप से 1 ग्राम फैट की बात करिए तो 9 किलो कैलोरी, ये हम लोगों ने देख लिया है ऑलरेडी। 1 ग्राम प्रोटीन की अगर आप बात कीजिए तो ये आपका 4 किलो कैलोरी। देखा जाए तो जो आपका प्रोटीन है और जो आपका कार्बोहाइड्रेट है लगभग वो उतनी ही एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि बॉडी की मेनली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स या एटीपी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या क्या रोल है और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते क्या क्या है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे मान लीजिए कोई एंजाइम है उसके फंक्शन के लिए बेटर होंगे, अगर ये कम होंगे तो बॉडी में इनसे रिलेटेड जो डेफिशिएंसी होगी वो डिसीजेस के फॉर्म में मैनिफेस्ट करेगी। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लेते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम लोग किन चीजों की बात करते हैं, जैसे आपके विटामिन्स हो गए एंड मिनरल्स, लिख लेते हैं यहाँ पे विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स की बात किया जाए तो सबको पता है विटामिन ए बी सी डी एंड ऑल दैट। मिनरल की बात किया जाए तो मिनरल अभी यहाँ पे लिख लेते हैं, आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग सॉल्ट खाते हैं, है ना, सोडियम क्लोराइड या सोडियम और क्लोराइड की बात कर लीजिए। इसी टाइप से पोटेशियम की जरूरत होती है, पोटेशियम, और इसी टाइप से कैल्शियम, है ना, बोन्स वगैरह में फॉस्फोरस एसेट्रा, जिंक वगैरह भी है। तो वो सब अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आज हमारा मेन एम है हम कुछ विटामिन्स की स्टडी से शुरुआत कर सकें, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट हैं, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके विटामिन्स हैं और आपके मिनरल्स हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो आपके विटामिन्स और मिनरल्स हैं ये आपको फंक्शनल फूड बोले जाते हैं। ठीक है, कि बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बेटर है, इसलिए नहीं कि एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट्स हैं ये लोग। ठीक है, तो इनको हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स, क्योंकि ये काफी सारी डिसीजेस से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे विटामिन्स मिनरल्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हेडिंग डाल लेते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स की बात किया जाए तो इसी को हम लोग कह देंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को हम लोग प्रोटेक्टिव फूड्स बोल सकते हैं, और या इसी को कह सकते हैं फंक्शनल फूड्स। लिख लेते हैं एक लाइन, विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर्म द
प्रोटेक्टिव फूड। आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज ये प्रोटेक्ट करते हैं एंड आर ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल फूड्स एंड आर ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल फूड्स। फंक्शनल फूड्स ये तो काफी इजी रहा है यहां तक। जो कोई भी हम लोग विटामिन मिनरल लेते हैं तो एक हमारा क्राइटेरिया होता है जिसे हम लोग कहते हैं RDA, रिक्वायर्ड डेली अलाउंसेस। तो जो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन जनरल देखा गया है इनकी रिक्वायरमेंट काफी कम होती है और लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे से कम की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एज ग्रुप की बात किया जाए। इसीलिए हम लोग इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं क्योंकि इसको हम लोग मिलीग्राम्स में यूज करते हैं, ग्राम्स में नहीं। लिख लें, दोज विद RDA, अभी RDA बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे आर ट्रेडिशनली कॉल्ड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये एग्जैक्ट आपका क्राइटेरिया हो गया कि किसको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलेंगे। हो सकता है साल्ट हम लोग ग्राम्स में लेते हो तो स्ट्रिक्टली माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, वो एक तरह से मेजर फूड का पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग इतना ज्यादा क्रिस्टल क्लियर करके नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जो चीज रिक्वायर्ड है हम उसको पढ़ेंगे, फिर उससे देखेंगे कि क्या क्या उससे उसकी कमी से क्या क्या डिसीजेज हो रहे हैं या कितने अमाउंट में एग्जैक्टली वो रिक्वायर्ड है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, मिनरल्स और विटामिन की बात किया जाए तो इनको हम लोग प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं और ये बॉडी की फंक्शनिंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ना ही एनर्जी आउटपुट के लिए, तो इसको हम लोग फंक्शनल फूड्स भी बोल देते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट 100 मिलीग्राम पर डे से इन जनरल कम होती है, इसीलिए हम लोग इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं या कुछ लोग इसको माइनर न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे वो मेजर न्यूट्रिएंट्स आपके हो जाते हैं ग्लूकोज, फैट और प्रोटीन। तो अब यहाँ पे हम लोग वन बाय वन एक एक विटामिन पढ़ते हैं। आज विटामिन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला विटामिन अल्फाबेटिकली भी विटामिन ए होता है, तो हम लोग अब विटामिन ए की बात करते हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक लेक्चर्स हैं ये, लेकिन इसमें काफी कुछ आपको आज आइडिया लगेगा। विटामिन ए, तो हम लोग अब समझ लीजिए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। विटामिन आपके फैट सॉल्युबल हो सकते हैं और वाटर सॉल्युबल हो सकते हैं। ये सब जब हम सारे विटामिन पढ़ लेंगे तो देख लेंगे फैट सॉल्युबल क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल क्या होते हैं। जहां तक वाटर सॉल्युबिलिटी की बात है तो केवल दो ही विटामिन आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, उसमें से एक विटामिन बी होता है, दूसरा विटामिन सी होता है। बाकी जो बच जाते हैं वो सब आपके फैट सॉल्युबल होते हैं और वो सब फैट सॉल्युबल होने की वजह से लीवर में स्टोर रहते हैं। तो मान लीजिए आपको 10 दिन विटामिन ए नहीं मिला तो ऐसा नहीं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। जो लीवर में स्टोर रहेगा वो रिलीज होना शुरू होगा। ये सब चीज जब हम लोग समराइज करेंगे, जब हमें एक एक विटामिन के बारे में पता होगा तो हम लोग एक जनरलाइज सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे, हाँ ये आपका ये इतने वाटर सॉल्युबल थे, ये इतने फैट सॉल्युबल थे। तो विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल भी कहते हैं। रेटिनॉल से आपको आइडिया लग गया कि इसका रेटिना में कुछ यूज है ना, रॉड्स एंड कोन्स में, इसको हम लोग रेटिनॉल कहते हैं। अब यहाँ पे पहली लाइन लिखते हैं, विटामिन ए दैट इज रेटिनॉल इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। लिखते हैं विटामिन ए दैट इज रेटिनॉल इज अ फैट सॉल्युबल। कुछ याद ही नहीं करना है, बी और सी वाटर सॉल्युबल है, उसके अलावा जो बच जा रहे हैं वो सब फैट सॉल्युबल है, तो ये भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। मेनली अगर देखा जाए तो ये जो विटामिन है ये हम लोग डायरेक्ट इस विटामिन को कंज्यूम नहीं करते, हम लोग कलर्ड प्रोडक्ट जो खाते हैं, जैसे आपके कलर्ड प्रोडक्ट्स में क्या क्या हो गए, आपने टोमेटो खाया, ब्रिंजाल खाया, ठीक है। तो जब कोई कलर्ड चीज खाते हैं तो उसमें कैरोटीन होता है, इसलिए तो वो कलर्ड होता है। तो कैरोटीन एक तरह से देखा जाए ये बॉडी में जाके कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में, तो इसलिए हम लोग कैरोटीन को जो कि कलर्ड फूड प्रोडक्ट से मिलता है उसको हम लोग प्रो विटामिन ए कहते हैं। लिख लीजिए कैरोटीन, जैसे टोमेटो होता है तो उसमें रेड होता है तो हम लोग उसको लाइकोपीन कहते हैं, उतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं। कैरोटीन इज
ऑल्सो नोन एज प्रो वाइटमिन ए। आगे चल के ये वाइटमिन ए में चेंज हो जाएगा, इसलिए प्रो वाइटमिन ए कहते हैं। कैरोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है? कलर्ड लीफी वेजिटेबल्स में। लिख लीजिए, कैरोटीन इज प्रेजेंट इन, इज प्रेजेंट इन, एक्चुअली जो कलर होता है वो कैरोटीन की वजह से ही होता है, इन कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यहाँ पे बात कर लीजिए एग्जाम्पल, अगर टोमेटो की बात कीजिए आप, तो टोमेटो में आपका लाइकोपीन होता है, दैट इज अ कैरोटीन, लाइकोपीन अ टाइप ऑफ कैरोटीन। इसलिए हम लोग कहते हैं कैरेट खाइए, गाजर खाइए, है ना, तो उसमें वाइटमिन ए ज्यादा होता है। ये सब तो आपके प्लांट सोर्सेस हो गए। आपको पता है क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है तो लीवर में स्टोर होगा, तो लीवर में अगर स्टोर होगा इसका मतलब हम अगर किसी एनिमल का लीवर ही खा लें, कलेजी खा लें, या लीवर के एक्सट्रैक्ट्स खा लें, या लीवर के से प्रोड्यूस हुआ ऑयल खा लें, जैसे कॉड लीवर ऑयल वगैरह हो गया, तो वहां से भी मिल जाएगा, है ना। तो देखा जाए तो इसके जो सोर्स होते हैं वो दो होते हैं, एक तो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, दूसरे एनिमल सोर्स होते हैं। प्लांट प्रोडक्ट में कलर्ड चीजें और एनिमल में स्पेशली लीवर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आगे लिख लेते हैं। देखो पहले ये होता था कि अगर किसी भी कंट्री की बात किया जाए तो गवर्नमेंट ये चाहती थी कि ज्यादा फूड का प्रोडक्शन हो, जैसे सीरियल्स, व्हीट, राई, बार्ली एंड ऑल दीज थिंग्स, है ना। इससे ये होता था कि ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता था कि आपके मेजर फूड्स को ज्यादा प्रोड्यूस किया जाए। अब इतनी ज्यादा फूड की कमी नहीं है वर्ल्ड में क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। अब गवर्नमेंट कहती है कि कलर्ड चीजें ज्यादा प्रोड्यूस कीजिए, तो डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो हम लोग जानते हैं रेनबो होता है। तो पहले कभी ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ करता था, अब क्या होता है रेनबो रेवोल्यूशन हो रखा है कि ज्यादा से ज्यादा कलर्ड चीजें उगाइए ताकि वहां से आपको वाइटमिन ए रिच अमाउंट में मिल सके। लिख लेते हैं, गवर्नमेंट नाउ डेज इज वर्किंग ऑन रेनबो रेवोल्यूशन, वर्किंग ऑन रेनबो रेवोल्यूशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह चलता था, रेनबो रेवोल्यूशन दैट इज कल्टीवेशन ऑफ कलर्ड फूड्स, कल्टीवेशन ऑफ कलर्ड फूड्स विच आर यूजली रिच इन वाइटमिन ए। वाइटमिन ए डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा लेकिन कैरोटीन होगा तभी वो कलर्ड होंगे। तो आजकल गवर्नमेंट दो चीज पे ज्यादा फोकस कर रही है, एक तो कलर्ड फूड्स पे, चाहे वो फ्रूट हो या वेजिटेबल्स हो या लीव्स हो, कुछ भी हो। इसके अलावा गवर्नमेंट सुपर फूड पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। सुपर फूड का कॉन्सेप्ट ये है कि उसको कम अमाउंट में लोगे उसमें बहुत सारे मिनरल्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको वाइटमिन्स मिल जाएंगे, मतलब एक ही वाइटमिन में रिच नहीं होगा। तो यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं कुछ चीजें सुपर फूड्स होते हैं, आगे पढ़ेंगे सुपर फूड्स या सुपर न्यूट्रिएंट्स। जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं जो कम चीजें ले जा सकते हैं अर्थ से, वो लोग इसका ज्यादा यूज करते हैं टेबलेट के फॉर्म में, सुपर न्यूट्रिएंट्स। जो सुपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में काफी रिच होते हैं। लिख लीजिए, दीज आर वेरी रिच इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक नहीं मतलब कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे मान लीजिए अगर आपने गाजर खा लिया तो केवल वाइटमिन ए ही तो ज्यादा मिला, तो सुपर फूड नहीं है। अगर सुपर फूड की बात किया जाए तो सुपर फूड में आपके आते हैं एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसमें मेनली आपका होता है एग्जाम्पल स्पाइरुलिना। ठीक है, तो ये सब चीज आपके मार्केट में अवेलेबल भी है, नॉर्मल शॉप पे नहीं मिलेगा, अमेजोन वगैरह से ऑर्डर कर सकते हैं। ₹500 का 100 कैप्सूल का स्पाइरुलिना मिल जाएगा। आप लोग अगर इसको यूज करोगे तो इसमें इतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इतने ज्यादा विटामिन्स होते हैं कि किसी फूड से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये अभी कल्चर में आना बाकी है यूज ऑफ सुपर फूड। केवल मीट, वेज, नॉन वेज, लोग इसी डिबेट में पड़े रहते हैं क्या बेटर है क्या नहीं है, दोनों कंडीशनल है। तो
ठीक है, कोई मैलिग्नेंसी या किसी को अगर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, उसके लिए वेज फूड बेटर होता है। कोई एनीमिक है या कोई बहुत वीक है और तो उसके लिए नॉन वेज फूड बेटर होता है, लेकिन उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं। दोबारा हम लोग वाइटमिन ए पे आते हैं, बात कर रहे हैं कि वाइटमिन ए का जो आपका सब्सटेंस है जिससे हम लोग इसको पाते हैं अपनी बॉडी में, दैट इज कैरोटीन, और ये कलर्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ज्यादा होता है, बॉडी में जाके वाइटमिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। गवर्नमेंट भी आजकल चाहती है कि लोग वाइटमिन ए ज्यादा से ज्यादा लें, सीरियल्स पल्सेस अब इनकी कमी नहीं रख रह गई है, कहीं कोई देखा जाए तो स्टारवेशन की कंडीशन एज सच नहीं है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो वाइटमिन ए का रोल क्या है, रोल जैसे रेटिनॉल नाम है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ विजन से रिलेटेड है। दूसरी चीज है जिस वाइटमिन ए इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। तीसरी चीज है कि वाइटमिन ए अगर बॉडी में होता है एडिक्वेट अमाउंट में, तो जो अपनी रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं, जैसे मान लीजिए जीआईटी की म्यूकोसा हो गई, स्किन हो गई, ये सब रैपिडली यहाँ पे जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं सेल्स, तो वाइटमिन ए अगर कम होगा तो ये जो सेल्स का टर्नओवर होता है वो उतना अच्छा नहीं होगा, इंसान को कफ ज्यादा होगा, डायरिया ज्यादा होगा या स्किन इन्फेक्शन ज्यादा होंगे। लिख लीजिए अभी रोल ऑफ वाइटमिन ए, रोल ऑफ वाइटमिन ए सबसे ऊपर इसमें लिखते हैं विजन, विजन में रोल है। सेकेंड चीज ये है कि बॉडी की इम्यूनिटी के लिए, ठीक है, कैरोटीन की बात किया जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि केवल वो वाइटमिन ए ही देगा, कैरोटीन इज बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट अगर आप ज्यादा लोगे तो बॉडी में वियर एंड टियर कम होगा, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स कम होगा, एजिंग डिलेड होगा, कैंसर्स वगैरह काफी कम होंगे। इसके अलावा अब हम लोग नेक्स्ट लिख लेते हैं इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स, इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। आपको पता है कि जितने भी अपने सिस्टम्स होते हैं, जैसे मान लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अंदर की लाइनिंग किससे होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन से। जीआईटी की बात कीजिए, जो लाइनिंग होती है किससे होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन से होती है। तो देखा जाए तो अगर वाइटमिन ए कम होगा तो बॉडी में एक तो विजन अफेक्टेड होगा, इसके अलावा जहां जहां म्यूकस मेम्ब्रेन है वो उसका टर्नओवर कम हो जाएगा, मतलब वहां की सेल्स प्रॉपरली डिवाइड करके उस म्यूकस मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करती थी, लेकिन अगर उनका टर्नओवर कम होगा तो वहां पे अगर वियर एंड टियर हुआ है तो पता लगा कि वो हील ही नहीं हो रहा है ना। और वाइटमिन ए को हम लोग इम्यूनाइजेशन में भी इसलिए दे रहे थे कि इसलिए नहीं कि न्यूट्रिशन के लिए दे रहे थे, इसी आपके विजन लॉस को प्रिवेंट करने के लिए दे रहे थे। यहाँ पे लिख लीजिए टू प्रिवेंट परमानेंट ब्लाइंडनेस वाइटमिन ए इज यूज्ड एज वैक्सीन विच इज गिवेन फ्रॉम एज ऑफ 9 months टिल एज ऑफ 5 years, एवरी 6 months, हर 6 महीने पे बच्चे को हम लोग बुलाते हैं, ठीक है, और आपको वाइटमिन ए देते हैं, उस बच्चे को वाइटमिन ए हम लोग कैप्सूल या सिरप के फॉर्म में देते हैं। 9 month पे पहली बार देते हैं, 9 month पे हम लोग 1 lakh international unit देते हैं, फिर उसके बाद एवरी 6 month पे हम लोग बुला के उसको कितना देते हैं, 6 month से बुला के हम लोग फिर उसको देते हैं 2 lakh international units, तो टोटल जो हम लोग 5 years तक देते हैं दैट इज 17 lakh international unit, टोटल टिल 5 years हम लोग दे देते हैं 17 lakh international units ऑफ वाइटमिन ए। इसलिए नहीं दे रहे हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस प्रिवेंट करेगा, इसलिए दे रहे हैं कि ये कंप्लीट ब्लाइंडनेस प्रिवेंट करेगा, और इसको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इसलिए भी डाल दिया हम लोगों ने कि ये सबसे कॉमन वाइटमिन डेफिशिएंसी भी है। ठीक है, अगली लाइन लिख लेते हैं, वाइटमिन ए डेफिशिएंसी इज कॉमनेस्ट वाइटमिन डेफिशिएंसी इन इंडिया, वाइटमिन ए डेफिशिएंसी इज
कॉमनेस्ट, वाइटमिन, कॉमनेस्ट वाइटमिन डेफिशिएंसी इन इंडिया। ठीक, इतना तो बेसिक की बात रही। अब हम लोग ये देख लेते हैं, अगर किसी को वाइटमिन ए कम मिला है तो आई में चेंजेस क्या आते हैं। कुछ मेरे पास डायग्राम्स भी हैं, मैं उनको भी शेयर किए देता हूँ। ठीक है, तो लिख लेते हैं आई चेंजेस या आई मैनिफेस्टेशंस ऑफ वाइटमिन ए डिफिशियंसी। आई मैनिफेस्टेशंस ड्यू टू वाइटमिन ए डिफिशियंसी। आइए देख लेते हैं, जैसे किसी को वाइटमिन ए कम हुआ तो पहले वो कंजक्टिवा को ड्राई करेगी, फिर उसके बाद कॉर्निया को ड्राई करेगी, फिर उसके बाद कंजक्टिवल अल्सर आएगा, कॉर्नियल अल्सर आएगा, स्कारिंग हो जाएगी और इंसान जो है परमानेंट ब्लाइंड हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग ऑर्डर वाइज लिख लेते हैं कि किस टाइप से सीक्वेंस वाइज चेंज आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जीरोसिस को एक्स से लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स वन ए। एक्स वन को लिखते हैं हम लोग जीरोसिस कंजेक्टाइवा, ड्राइनेस ऑफ कंजेक्टाइवा। ठीक है, जीरोसिस कंजेक्टाइवा। आई का जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है वो कंजेक्टाइवा होता है, ब्लैक वाला पोर्शन होता है वो आपका कॉर्निया होता है। ठीक है, याद ऐसे कर लो कि ऐश्वर्या राय की आई ब्लू है, कॉर्निया ब्लू है उसकी। ठीक है, तो जीरोसिस का मतलब होता है ड्राइनेस, आईज ड्राई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला जो आपका है दैट इज ए, एक्स वन ए से लिखते हैं एक्स फॉर जीरोसिस, जीरोसिस का मतलब ड्राई है, यहाँ पे कंजक्टिवा ड्राई होना शुरू हुई। दूसरा वाला केस क्या है, कंजक्टिवा पे एक स्पॉट आपको मिलेगा, उसको आप बी से बाइडॉट स्पॉट बोलते हो, तो यहाँ पे जो हमने कैटेगरी लिख दिया एक्स वन बी प्रेजेंस ऑफ बाइडॉट स्पॉट। अभी इसको हम लोग डायग्राम में देख लेंगे। अब देखिए कंजक्टिवा का काम, सॉरी हाँ, कंजक्टिवा का काम खत्म हुआ। अब ये जो ड्राइनेस थी ये कॉर्निया के ऊपर आ गई, मतलब ब्लैक वाले या ब्राउन वाले या ब्लू वाले पोर्शन पे आ गई। तो सी में आप देख लीजिए यहाँ पे एक्स टू है ना। अब एक स्टेज आगे जा रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं जीरोसिस कॉर्निया, जीरोसिस कॉर्निया। अगेन जीरोसिस का मतलब ड्राई हो गई है कॉर्निया, है ना। अभी तक कंजक्टिवा की बात कर रहे थे, आगे चल के अब क्या होगा, अल्सर हो सकता है आपके कॉर्नियल, कॉर्निया के ऊपर। ठीक है, तो कॉर्नियल अल्सरेशन आप बोलते हैं, डी आ जाइए, ये आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। एक्स थ्री ए, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, कॉर्नियल अल्सरेशन और केराटोमेलेसिया। अभी दोनों को देख लेते हैं, यहाँ पे कॉर्नियल अल्सरेशन और ई में आइए, यहाँ पे एक्स थ्री बी की बात कर दीजिए, तो केराटो मलेशिया। ठीक है, अभी इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। पहले अल्सर था, थोड़ा बहुत कॉर्निया डैमेज थी, अभी पूरी कॉर्निया डैमेज हो गई है, तो केराटो मलेशिया बोल देंगे। अब और आगे आइए, अब उसके विजन में दिक्कत होगी, अभी तक तो छोटे मोटे डॉट्स दिख रहे थे, अब उसके विजन में दिक्कत होगा, तो अब हम लोग कहेंगे नाइट ब्लाइंडनेस स्टार्ट हो गई। एफ पे आइए, एक्स एन, एन फॉर नाइट ब्लाइंडनेस। अब इसको विजन में भी दिक्कत होने लगी, देखो नाइट ब्लाइंडनेस कितनी देर में हो रहा है, टोटल ब्लाइंडनेस की तरफ अभी हम लोग पहुंच रहे हैं, नाइट ब्लाइंडनेस आ गया। इसके बाद अब आपका कॉर्नियल स्कारिंग, जो भी आपको केराटोमेलेसिया अल्सर हुआ तो हील होगा, हील होके एक स्कार बना लेगा, मतलब नॉर्मल एपिथीलियम नहीं रह जाएगा वो, तो एस फॉर स्कारिंग होता है। यहाँ पे फिर से लिखते हैं हम लोग जी एक्स एस, एस फॉर स्कारिंग, तो कॉर्नियल स्कारिंग हो गया, नॉर्मल कॉर्निया रह ही नहीं गई। इसके बाद फंडस चेंजेस हो सकते हैं, मतलब रेटिनल चेंजेस हो सकते हैं। आप लोग ऑप्थेल्मोस्कोप से आई को अगर रेटिना को देखते हो तो उसको कहते हो फंडस एग्जामिनेशन, तो आगे चल के फंडस भी गड़बड़ हो जाएगा, तो आप लोग कहते हो एक्स एफ या फंडोस्कोपिक चेंजेस। एच पे आ जाइए, एक्स एफ फंडोस्कोपिक चेंजेस।
फंडोस्कोपिक चेंजेस। ठीक है, आप कुछ फिगर्स भी देख लेते हैं। फंडोस्कोपिक चेंजेस का मतलब, जैसे गायनी में आप लोग फंडस पढ़ते हो, तो फंडस केवल गायनी में नहीं होता है, ऑप्था में भी होता है। तो जब आप रेटिना को देखते हो, रेटिना को देखते हो किससे? ऑप्थेल्मोस्कोप से, ऑप्थेल्मोस्कोप से। तो जो पार्ट रेटिना का दिखता है उसको हम लोग फंडस कहते हैं। ठीक है, तो अगर वाइटमिन ए डेफिशियंसी होगा तो नाइट ब्लाइंडनेस के बाद आपका कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, कंप्लीट ब्लाइंडनेस। इसी को प्रिवेंट करने के लिए तो हम लोग वाइटमिन ए इम्यूनाइजेशन में देते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग डायग्राम देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्लासिफिकेशन में वापस आते हैं। ठीक है, केवल वाइटमिन ए में इतना लंबा चौड़ा क्लासिफिकेशन है क्योंकि इसकी डिफिशियंसी बहुत कॉमन है और ब्लाइंडनेस या लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। आइए देख लेते हैं कुछ डायग्राम ताकि थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो। देखिए, मैंने बाइटॉट स्पॉट की बात की थी, आप लोग ऑप्था में डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, ये आपका मार्क कर देते हैं यहाँ पे, ये वाले पोर्शन को आप कहते हो कॉर्निया। ठीक है, और ये व्हाइट वाला पोर्शन था, ये पूरा, इसको आप लोग कहते हो कंजक्टिवा। कंजक्टिवा में आप यहाँ पे देख रहे हो फोम लाइक कुछ डिपोजिशन हो गया है ट्राइंगुलर तरीके से, इसी को हम लोग बाइटॉट स्पॉट कहते हैं। ठीक है, एपिथीलियल चेंजेस होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी है कि अगर वाइटमिन ए होगा तो एपिथीलियल टर्नओवर ज्यादा होगा, यहाँ पे एपिथीलियम का टर्नओवर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपनी एपिथीलियम थी जिस भी कंडीशन में थी वो सेड ऑफ नहीं हुई है और नीचे के एपिथीलियम बनी नहीं है, तो एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको शो हो रहा है, दैट इज बाइटॉट स्पॉट। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट साइंस ऑफ वाइटमिन ए डेफिशियंसी, आप लोगों ने देखा था बाइटॉट स्पॉट स्पॉट X1B, मतलब बिल्कुल ऊपर ही आपको मिल गया था। और देख लेते हैं हम लोग, इसके अलावा आप जो प्रॉब्लम होगी वो धीरे धीरे कॉर्निया से कंजक्टिवा से कॉर्निया की तरफ जाएगा, ये भी बाइटॉट स्पॉट है। और नीचे आइए, यहाँ पे आप देख पा रहे हो पूरी की पूरी कॉर्निया ऐसे लग रहा है मिल्की या क्लाउडी हो गई है। ठीक है, ये एक डायग्राम और देखिए, यहाँ पे छोटा सा आपको जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये कॉर्नियल अल्सर है, दिस इज कॉर्नियल, बाकी डिटेल आप लोग ऑफ्था में पढ़ोगे, यहाँ पे अल्सर हो रखा है। यही चीज अगर और ज्यादा चला जाएगा तो पूरा आपका कॉर्निया ब्लैक से व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, और एपिथीलियम पूरी कॉर्निया की डैमेज मिलेगी, तो आपको क्लाउडी कॉर्निया टाइप का मिलेगा जिसको आप लोग कह देते हो केराटोमेलेसिया। दिस कंडीशन इज टोटल कॉर्निया आपका इतना देख पा रहे हो व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रही है, दिस इज केराटोमेलेसिया, केराटो मलेशिया। ठीक है, जैसे अगर आपके बोन्स वीक हो जाती हैं तो आप लोग कहते हो ऑस्टियो मलेशिया, इसी तरीके से अगर कॉर्निया डिफेक्टिव हो गई तो आप लोग कहते हो केराटो मलेशिया। अब हम लोग दोबारा उस क्लासिफिकेशन में आते हैं जो हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए, अगर किसी को वाइटमिन ए कम हुआ तो वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो सकता है, आधी स्टेज पे जाके पहले नाइट ब्लाइंडनेस से रिलेटेड सिम्टम्स उसमें आएंगे। ठीक है, अब देखिए पहले स्टेज ये है कि कंजक्टाइवा ड्राई होगा, मतलब जीरोसिस होगा, जीरोसिस को ड्राइनेस बोलते हो। फिर उसके बाद आप देख रहे हो एपिथीलियल टर्नओवर प्रॉपर नहीं था, तो कुछ स्पॉट्स आपको विजिबल होंगे, ट्रायंगुलर स्पॉट्स, ट्रायंगुलर स्पॉट्स कहाँ पे मिलेंगे? कंजक्टाइवा पे ही मिलेंगे, तो उसको हम लोग बाइटॉट स्पॉट कहते हैं, हम लोग डायग्राम में देख भी चुके हैं। इसके अलावा फिर जो ड्राइनेस थी वो कॉर्निया पे भी मिलने लगी, तो अब आप X2 में आ गए, पहला कंजक्टिवा X1, चाहे बाइटॉट स्पॉट की बात हो चाहे ड्राइनेस की बात हो, फिर उसके बाद कॉर्नियल ड्राइनेस आ गया, तो आपने कह दिया जीरोसिस कंजक्टाइवा। फिर उसके बाद और आगे आ जाइए, अब यहाँ पे पहले छोटा सा अल्सर बना, बाद में उसने पूरी आई को ऑक्यूपाई कर लिया, पहले आपने उसी चीज को अल्सर कह दिया, बाद में उसी चीज को केराटो मलेशिया कह दिया। अब इतना ज्यादा आई में प्रॉब्लम हो चुकी है कि पेशेंट को कम लाइट में देखने में दिक्कत हो रही है, खासकर नाइट में जब लाइट डिम हो जाती है तो उसमें दिखने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कहते हो ये सिम्टम नाइट ब्लाइंडनेस के हैं। ये सब भी डिटेल आप लोग ऑफ्था में ज्यादा पढ़ोगे। यहाँ पे अब जो कुछ भी अल्सर बना था वो कभी ना कभी हील होगा, अभी तक तो वो ट्रांसपेरेंट था या नॉर्मल आई एपिथीलियम था, वहां पे स्कारिंग हो चुकी है, तो ये कॉर्नियल स्कारिंग हो गया। उसके बाद फंडस मतलब रेटिनल चेंजेस भी आने लगे और पेशेंट इसके रिजल्ट में कंप्लीट ब्लाइंड हो गया। ठीक है,
तो रेटिना का पार्ट जो हम लोग ऑप्थेल्मोस्कोप से देखते हैं उसको कहते हैं फंडस है, और इसी को हम लोग कहते हैं फंडस एग्जामिनेशन, और अगर फंडस में कोई चेंज आया है तो हम लोग कहते हैं फंडोस्कोपिक चेंजेस। इन चीजों को डिटेल में आप लोग कहाँ पे पढ़ोगे? ऑफ्था में पढ़ोगे। तो मेरे ख्याल से इतना डिटेल यहाँ पे काफी है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन में हम लोगों ने देख लिया था एपिथीलियम में, विजन में, है ना, और इम्यूनिटी में, तीन चीज में ये काम आता है, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं क्या क्या सोर्स है वाइटमिन ए का, सोर्सेज ऑफ वाइटमिन ए। पहली लाइन यहाँ पे लिख लेते हैं, फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स आर स्टोर्ड इन लिवर, फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स कैन बी स्टोर्ड इन लिवर, तो केवल हमारे ही लिवर में स्टोर नहीं होगा, बाकी सारे एनिमल के लिवर में भी स्टोर होगा, चाहे वो फिश हो, चाहे वो आपका गोट हो, चाहे वो आपका बीफ हो, चाहे वो आपका काउ या बफेलो हो। तो यहाँ पे देख लिया जाए तो क्योंकि ये लिवर में स्टोर होगा, इसलिए जो इसका एनिमल सोर्स होगा, एनिमल सोर्स में आपको लिवर लिखना है। चाहे अच्छा लिवर में अगर बात किया जाए, फिश से कुछ ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, एक फिश होती है कॉड, उससे जो मिलता है उसको हम लोग कहते हैं कॉड लिवर ऑयल, ठीक है। तो लिवर किसी का भी हो, चाहे किसी एनिमल का हो, चाहे किसी फिश का हो, तो जो लिवर होता है वो रिच इन वाइटमिन ए होता है। यहीं से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं कॉड फिश से, तो उसको कह देते हैं हम लोग कॉड लिवर ऑयल। जिसको वाइटमिन ए कम होता है, तो वाइटमिन ए आपका आता है कैप्सूल 7 सीज नाम से, 7 सीज, ठीक है। तो ये आपका, और अगर मान लीजिए किसी एनिमल की कलेजी खा रहे हो तो उसमें भी काफी वाइटमिन ए आपको मिलता है। तो एनिमल सोर्स की बात किया जाए तो ये आपके लिवर में मिलता है, चाहे वो कोई एनिमल हो, चाहे वो कोई फिश हो। कॉड लिवर ऑयल मार्केट में बहुत कॉमनली मिलता है 7 सीज नाम से। इसके अलावा प्लांट सोर्स पे आ जाते हैं, प्लांट सोर्स की बात किया जाए तो हम लोगों ने देखा था कलर्ड प्रोडक्ट्स, चाहे वो आपका वेजिटेबल हो या आपका फ्रूट हो। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना, यही ब्रैकेट में लिख लीजिए। आजकल रेनबो रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं है, रेनबो रेवोल्यूशन, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर कलर्ड प्रोडक्ट की बात हो तो मुझे लगता है ये बताने की जरूरत ही नहीं है। सबसे ऊपर लिख लीजिए कैरेट, ठीक है, मुझे उम्मीद है तुम लोग काफी कैरेट खाते होगे, बिकॉज इट इज वेरी हेल्दी। इसके अलावा पपाया ले लो, ठीक है, फ्रूट की तरफ आ जाते हैं। कुछ और एग्जांपल्स ले लीजिए, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लीफ का भी कलर कैरोटीन की वजह से और क्लोरोफिल की वजह से कलर्ड होता है वेजिटेबल्स। इसके अलावा आप मैंगो ले लीजिए, आजकल मैंगो काफी है मार्केट में। और अगर एनिमल सोर्स की बात किया जाए तो हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं। तो हम लोगों ने जो मेन डिफिशियंसी की वजह से डिसीज थी आई, उसके सारे चेंजेस हम लोगों ने देख लिए हैं। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि जहां पे भी एपिथीलियम होगा, और जैसे मान लीजिए अगर आपका जीआईटी का एपिथीलियम है, तो आपको पता है दिन भर हम लोग कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो फ्रिक्शन के तौर पे या वैसे भी आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है काफी चीजें एब्जॉर्ब भी करता है। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन को बहुत जल्दी जल्दी रेप्लेनिश होना चाहिए, मतलब वहां एपिथीलियम का टर्नओवर बहुत जल्दी होना चाहिए, जहां पे भी डिजेनरेट हुआ तुरंत वहां रिपेयर जल्दी होना चाहिए। तो वाइटमिन ए होगा तभी ये रिपेयर पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर वाइटमिन ए नहीं होगा तो जहां पे भी म्यूकोसा में ब्रीच होगा, नहीं रिपेयर हो पाएगा, वहां पे क्या होगा, आपका एक बैरियर खत्म हो गया, तो जो इन्फेक्टिव एजेंट होगा, अगर हम सांस लेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एपिथीलियम को या म्यूकस मेम्ब्रेन बैरियर जैसा काम ही नहीं कर रहा, इननेट इम्यूनिटी का पार्ट है, सीधे वो आपके कहाँ घुस गया, ब्लड तक पहुंच गया, है ना। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये आपके ट्रैक्स की हिफाजत करता है, ठीक है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी मेंटेन करता है। तो यहाँ पे जब भी डिफिशियंसी होती है तो हम लोग तीन चार कैटेगरी में देख सकते हैं। तो इम्यूनिटी कम हो गई थी, डिफिशियंसी
रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एक तो आपका विजन हो गया था, है ना, पहला आपका विजन से रिलेटेड था, तो नाइट ब्लाइंडनेस तो हो ही सकता है, परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस पहला सिम्टम होता है उसका, नाइट ब्लाइंडनेस से लेके परमानेंट ब्लाइंडनेस तक। यही एक ऐसी ब्लाइंडनेस है जो प्रिवेंट की जा सकती है, इसको हम लोग विटामिन ए दे के प्रिवेंट कर लेंगे। बाकी जितने टाइप की भी ब्लाइंडनेस आप जानते हो उसको हम प्रिवेंट भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज ये होती है कि मान लीजिए जीआईटी का एपिथेलियल टर्नओवर सही नहीं है, म्यूकोसल टर्नओवर, तो जब भी ब्रीच होगा तुरंत आपका जो इन्फेक्टिव एजेंट होगा वो चला जाएगा वहां पे। तो अगर जीआईटी की बात किया जाए तो ऐसे पेशेंट में रिकरेंट एब्डोमिनल इन्फेक्शंस होते रहते हैं। एब्डोमिनल इन्फेक्शंस, रिकरेंट एब्डोमिनल इन्फेक्शन की बात करें सबसे इंपॉर्टेंट ले लीजिए डायरिया, डिसेंट्री, ऐसे पेशेंट्स में ज्यादा होता है। एग्जाम्पल डाइसेंट्री, अगर स्टूल में ब्लड आ रहा है तो डाइसेंट्री है, केवल वाटरी है तो आप लोग उसको डायरिया कहते हो, है ना। तो डिसेंट्री की बात किया जाए तो डायरिया प्लस ब्लड इन स्टूल, है ना। ये सब हम लोग जीआईटी में पढ़ चुके हैं लेकिन तब भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। इसके अलावा एपिथीलियम का काम आपका जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में भी रहेगा, है ना, तो यूरोजेनाइटल सिस्टम। तो यहाँ पे ऐसे पेशेंट में यूटीआई वगैरह बहुत कॉमन कॉमन हो जाएगा, है ना, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जहां पे भी म्यूकोसा का ब्रीच होगा बैक्टीरिया या वायरस को अंदर जाने का बॉडी में मौका मिल जाएगा। और इसके अलावा बात रही रेस्पिरेटरी सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात किया जाए तो अगर विटामिन ए कम होगा तो बार बार उसको निमोनिया होगा, कफ एंड कोल्ड होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब आप लोग सोच रहे होगे कि मैंने बता दिया था इम्यूनिटी, उसको मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया। जहां पे भी एपिथीलियम नहीं रीजनरेट हो रही, तो आपको पता है एपिथीलियम इननेट इम्यूनिटी का पार्ट है, बाकी सब तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट होता है। तो अगर एपिथीलियम ही रीजनरेट नहीं हो रही होगी तो बॉडी के मेन इम्यूनिटी तो आपने खत्म कर दिया, इननेट इम्यूनिटी, है ना, जो एक स्किन होता है, एक बैरियर होता है। हमारी बॉडी में बैक्टीरिया क्यों नहीं एंटर कर सकता स्किन से, क्योंकि स्किन एक मैकेनिकल बैरियर है। इसी तरीके से जब हम खाना खाते हैं, एयर में सांस लेते हैं, उससे भी बैक्टीरिया बॉडी में जाता है, तो वहां म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो नहीं अंदर जाने देती। तो देखा जाए तो अगर वाइटमिन ए कम होगा तो आपका इननेट इम्यूनिटी ही कम हो जाएगा, जो भी बैक्टीरिया वायरस आपके कांटेक्ट में आएगा वो बॉडी के अंदर इंट्रूड कर जाएगा, ठीक है। तो इतना मेरे ख्याल से आज के लिए विटामिन ए के लिए काफी है, कल हम लोग विटामिन।